तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में गाइस मैं आप सभी को बताने वाला हूँ क्या गाइस आपके भी फेसबुक अकाउंट पे वीडियो वॉच का जो ऑप्शन होता है शो नहीं हो रहा है। आप अपने फेसबुक पे वीडियोस नहीं देख पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो कि मेरे फेसबुक अकाउंट पे किस लिए यहाँ पे वीडियो का जो वॉच वाला ऑप्शन होता है शो नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है। तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको एक मिनट में बता रहा हूँ, एक सेटिंग बताऊँगा, ऑन कर लीजिए इस सेटिंग को। सिंपली बता रहा हूँ कि आपके फेसबुक अकाउंट पे ये ऑप्शन वीडियो का जो होता है शो नहीं हो रहा है, शो होने लगेगा, आप अपने फेसबुक पे वीडियो देख पाओगे। तो चलते हैं मेरे टाइम को वेस्ट किया, आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं भैया आप कैसे करोगे। तो इसे बताने के लिए मुझे चलना पड़ेगा मोबाइल स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं। पहले तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मेरे फेसबुक अकाउंट पे यहाँ पे वीडियो वॉच करने का जो ऑप्शन होता है यहाँ पे लोगो देखने के लिए मिलता है, वीडियो देखने के लिए वो यहाँ पे देखने के लिए शो नहीं हो रहा है। और चलते हैं इसे शो कैसे कराते हैं आज के वीडियो में आपको दिखाते हैं। तो सिंपली यहाँ पे अपने फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाता है, होने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आपकी प्रोफाइल देखने के लिए मिल जाती है। तो प्रोफाइल पे आपको क्लिक कर देना है और जैसे गाइस वहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नया इंटरफेस ओपन हो जाता है। होने के बाद गाइस आपको करने गए यहाँ पे देखेंगे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेटिंग एंड प्राइवेसी का, तो सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक कर देना है। और जैसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नया इंटरफेस ओपन हो जाता है। होने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आपको दोबारा से सेटिंग ऑप्शन आ जाता है, सेटिंग वाले ऑप्शन पर देने क्लिक कर लेने। और जैसे गाइस सेटिंग वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, तो सिंपली यहाँ पे नया इंटरफेस जैसे ही ओपन होगा गाइस यहाँ पे आप नीचे आ जाएंगे, एक आपको यहाँ पे एक बार का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको हाईलाइट करके यहाँ पे दोबारा से दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो सिंपली इस पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने नया इंटरफेस ओपन हो जाता है। होने के बाद गाइस यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको पहला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है कस्टमाइज बार का ऑप्शन, तो सिंपली यहाँ पे देन क्लिक कर लेना है। और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। होने के बाद गाइस यहाँ पे ये जो वीडियो का आपको सिंबल देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे आपका हाइट है, जैसे मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे हाइड कर दिया गया है आपका जो वीडियो का वहाँ पे लोगो होता है, उस पर आप क्लिक कर देते हैं वीडियो देखने के लिए मिल जाती है, तो यहाँ से हाइड कर दिया गया, तो आपको यहाँ से अनहाइड करना है। तो सिंपली आप इस वाले ऑप्शन पे देन क्लिक कर लीजिएगा पहले वाले ऑप्शन पे, और जैसे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे पिन हो जाएगा। उसके बाद सीधे से आपको एक बार बैक आना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से आप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से फेसबुक को ओपन करिएगा, यहाँ से क्लियर करके आपको दोबारा से यहाँ से फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करना है। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आपके फेसबुक यहाँ पे वीडियो वाला ऑप्शन आ चुका है, और जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे आपकी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से गाइस आप अपने फेसबुक अकाउंट पे वीडियो का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इस तरह से आप वीडियो का ऑप्शन यहाँ पे ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।